मुल्कों जमात का इश्तम हमारा तारीख का मजमून है और उन्वान है बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। आज हमने करना है अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में मवासलाती निज़ाम की तरक्की के, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा माशरती असलाहत माशी असलाहत, तो उन्होंने बरसगीर पाक को हिंद के हालात को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी असलाहत शुरू की, तो उसमें तीसरे नंबर पर आ जाती है मवासलाती निज़ाम की तरक्की। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के क्याम के बाद ज़राए मवासलात पर खासी तवज्जो दी, यानी वो ज़राए मवासलात पर उन्होंने खसूसी तौर पर इस तरह की तवज्जो दी। इस सिलसिले में उन्होंने दर्जा इकदाम किए, नंबर एक डाक और टेलीकॉम, तो उन्होंने डाक खाने कायम किए और टेलीकॉम का भी जो सिस्टम था उसे भी शुरू किया। अंग्रेज़ दौर में डाक के महकमे को जदीद तर्ज पर बनाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को अपने अहकाम बरसगीर के दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाने के लिए इस महकमे की बहुत ज़रूरत थी। नए डाकखाने बनाए गए और वहाँ तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया। 1887 में लाहौर में जनरल पोस्ट ऑफिस GPO कायम किया गया, ये प्लीज़ अंडरलाइन कर लें। 1887 में लाहौर में जनरल पोस्ट ऑफिस कायम किया गया। इस निज़ाम की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ महकमों के दौरान रबते बढ़ाए गए। अंग्रेज़ हुकूमत ने डाक के निज़ाम के अलावा टेलीग्राम के निज़ाम को भी बेहतर किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने मवासलात का निज़ाम अगरचे अपने मकासद के लिए बनाया था, लेकिन इससे बरसगीर के लोगों को भी फ़ायदा हुआ। अवाम के एक दूसरे से रबते बढ़े, मुल्क में तजारत को फ़रोग हासिल हुआ। अंग्रेज़ों के डाक और टेलीग्राम के निज़ाम ने बरसगीर के लोगों पर मुस्बत असरात मरतब किए। फिर नेक्स्ट रेलवे और सड़कें। ज़राए मवासलात किसी भी मुल्क की माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम होते हैं, कि अगर ज़राए मवासलात आपके तरक्की याफ्ता होंगे, बेहतरीन होंगे, तो आपका मुल्क हर लिहाज से ही तरक्की करेगा। अंग्रेज़ दौर में रेलवे उस वक़्त तेज तरीन ज़रिया मवासलात था, चनाचे पूरे बरसगीर में जहाँ मुमकिन हुआ रेलवे लाइनों का जाल बिछाया गया। अहम कस्बों और शहरों में रेलवे स्टेशन कायम किए गए। शहरियों की सहूलत के लिए रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर फाटक लगाए गए। अंग्रेज़ों ने गाड़ियों की आने और जाने के औकात को मुनज़्ज़म किया, रेलवे की टिकटिंग निज़ाम को बेहतर किया। इन इकदाम से अवाम का रेलवे पर एतमाद बढ़ा और वह रेलवे के सफ़र को महफूज समझ कर तरजीह देने लगे। सफ़र को आसान बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में बरसगीर के तूलो अर्ज़ में नई सड़कें बनाईं और पहले से मौजूदा सड़कों के मेयार को बेहतर बनाया। कि सड़क ऐसी चीज़ है जिसका हर शोबे से ही तल्लक होता है। आम लोगों के भी गुजरने आने जाने में उन्हें सहूलत होती है, जो सफ़र उन्होंने दो दिनों में करना आता है वो एक दिन में कर लेते हैं, जो दो घंटे का होता है वो एक घंटे में हो जाता है अगर सड़कें बेहतरीन हो। इसी तरह अगर माल इधर उधर पहुँचाना है तो वो काम भी जल्दी होता है, हमारे टाइम की बचत हो जाती है, लिहाजा सड़कें भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। जहाँ कहीं सड़क के रास्ते में नहरें या दरिया आते थे वहाँ पुल तमीर किए। मुसाफिरों की सहूलत के लिए बस स्टैंड बनाए गए। सफ़र को महफूज बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने मकामी इंतज़ामी अमले को खसूसी तरबियत दी। अंग्रेज़ों के इकदाम से महीनों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि अंग्रेज़ों ने ये तमाम इकदाम अपनी सहूलत के लिए किए, मगर फिर भी बरसगीर के अवाम को बहुत फ़ायदा हुआ। अगरचे उन्होंने ये जितने भी इंतज़ाम किए थे उनमें उनका अपना एक ज़ाती मकसद था, ताकि हम अपने जो इंतज़ाम यहाँ पे कर रहे हैं, हम जो इधर हुकूमत कर रहे हैं, हमें लोगों के बारे में हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से इल्म हो, तो इसी के तहत ही उन्होंने यहाँ पर ये तमाम मवासलात के जो शोबे थे शुरू किए थे, डाक था या टेलीकॉम था, रेलवे या सड़कें थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका अवाम को भी फ़ायदा पहुंचा, अवाम ने भी इससे फ़ायदा लिया। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा यही एक टॉपिक हमने डिस्कस किया, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।